कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी, जिसमें मैं बात करूंगा माय टॉप फेवरेट शॉर्ट फिल्म्स या शॉर्ट मूवीज के बारे में। ये लिस्ट स्पॉइलर फ्री है, सो बिना किसी टेंशन के पूरी वीडियो को देख लेना। में आई इस शॉर्ट फिल्म की बहुत बड़ी कास्ट है, जिसमें कुछ पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं जैसे काजोल, श्रुति हसन, नेहा धूपिया, नेहा कुलकर्णी और भी कई। ये मूवी लार्ज शॉर्ट फिल्म्स के अंडर बनी है। इस मूवी का मैसेज बहुत ही अच्छा है। हालांकि ये फिल्म एक कंट्रोवर्सी में भी फंस गई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म की स्टोरी को चोरी किया गया है दूसरी शॉर्ट फिल्म से, जिसका नाम है फोर। अब आप खुद दोनों मूवीज देखना और मुझे बताना कि देवी कॉपी थी या नहीं। कभी एक्सपेंसिव सैलून में गए हो या जाना चाहते हो बाल कटवाने, तो ये मूवी आपके लिए है। एक लाइट एंड फन मूवी जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कोई आपसे कहेगा कि मैंने एक मर्डर किया है, तो क्या आप यकीन करोगे या नहीं? ये शॉर्ट फिल्म यकीन पर ही बेस्ड है। हालांकि इस मूवी की एंडिंग बहुत अजीब सी है। अगर आपको समझ आई तो मूवी देखने के बाद यहाँ पर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लार्ज शॉर्ट फिल्म्स के अंडर बनी ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज में से एक है। इस शॉर्ट फिल्म को ऑलमोस्ट 130 मिलियन व्यूज आए हैं। इस मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस हैं टिस्का चोपड़ा। हालांकि मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन से आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो टिस्का चोपड़ा ही हैं। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसकी एंडिंग बहुत शॉकिंग है। जब ये देख लोगे तो वापस यहाँ पर आके मुझे कमेंट में स्टोरी बताना। इस फिल्म के लिए टिस्का चोपड़ा को बेस्ट एक्ट्रेस इन ए शॉर्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और ज्योति दास कपूर को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। इसे साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। सात साल पहले आई ये शॉर्ट फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है। पूरी मूवी का प्लॉट बहुत ही ग्रिपिंग है और मूवी के लास्ट दो मिनट तक आप गेस ही नहीं कर पाओगे कि मूवी में हो क्या रहा है। ये शॉर्ट फिल्म है तो इंग्लिश में, मगर मेरी रिकमेंडेशन पे इसे जरूर देखना। हॉरर मूवीज के बहुत सारे फैंस होते हैं। ये शॉर्ट फिल्म हॉरर और थ्रिलर है। राधिका आप्टे की ब्रिलियंट एक्टिंग और कमाल की स्टोरी इसे बहुत इंटरेस्टिंग मूवी बना देती है। इस मूवी को देखने के बाद आप ये जरूर सोचने लगोगे, अगर ये मेरे साथ हुआ तो क्या होगा। कश्मीरी डिश रोगन जोश बहुत ही टेस्टी डिश है। इसी डिश की तरह ये शॉर्ट फिल्म भी बहुत अमेजिंग है। प्लॉट डिटेल्स तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो वो सबसे बड़ी गलती की है। देखो यार, प्लॉट घुमा देगा एंड में आप सबको। जैसा नाम वैसा काम, ये लाइन इस मूवी पर फुल्ली अप्लाई होती है। एक ऐसी रिडल, एक ऐसी गुत्थी जो लास्ट मिनट तक सॉल्व नहीं होती। नॉर्मल गपशप से ये स्टोरी कैसे घूमती है आपको पता ही नहीं चलेगा। इस शॉर्ट फिल्म को मेरे हिसाब से 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिलने चाहिए थे। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि माइंड फकिंग मूवीज सिर्फ हॉलीवुड में ही बनती हैं। जब आप कृति देखोगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। फिल्म की कास्ट है मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे और नेहा शर्मा। जितनी ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है, उतनी ही ज़बरदस्त इसकी सिनेमाटोग्राफी और म्यूज़िक। ये मूवी भी कंट्रोवर्सीज में फंस गई थी। बॉब नाम की शॉर्ट फिल्म के मेकर्स ने कहा था कि कृति बॉब की कॉपी है। कॉन्ट्रोवर्सी के चलते दोनों शॉर्ट फिल्म को यूट्यूब से हटा दिया गया था। फिर कुछ टाइम बाद दोनों को वापस लाया गया, लेकिन दोनों मूवीज के वापस आने के कुछ टाइम बाद पता चला कि कृति और बॉब से एक साल पहले डेज नाम की एक शॉर्ट फिल्म आई थी जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। अब किसने किसको कॉपी किया ये तो भगवान ही जाने। ये मूवी इस लिस्ट की मेरी मोस्ट फेवरेट शॉर्ट फिल्म है। देखो इसको जल्दी और फिर मुझे बताना कि कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।